तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आप अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम कितना हुआ वो कैसे चेक कर सकते हैं। आप अपने यूट्यूब स्टूडियो ऐप के अंदर YT स्टूडियो ऐप के अंदर चेक करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता, उसके अंदर मिनट बता शो होते हैं जो हम देख नहीं पाते कि हमारे कितने वॉच टाइम हुआ। अभी मोनेटाइज के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के बाद ही हमारा चैनल रिव्यू में जाता है, उसके बाद मोनेटाइज होता है। तो मैं आज की वीडियो के अंदर डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप YT स्टूडियो के अंदर कैसे अपना वॉच टाइम देख सकते हैं, कितने मिनट कितना 4000 घंटा हुआ और 4000 घंटे में आपको कितने मिनट चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या है ना, वीडियो एंड तक देखना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सबसे पहले आपको चला जाना अपना YT स्टूडियो के अंदर, ये मेरा एक चैनल है मेन, उस पर मैं आपको न्यू मोड पर जाता हूँ। तो गाइस अभी देख सकते हो यहाँ पर, गाइस अभी वॉच टाइम मैं बताता हूँ, यहाँ लास्ट 28 दिन का कितना वॉच टाइम हो रहा है अभी देख सकते हो आप। यहाँ पर अभी 10 लाख वॉच टाइम हो रहा है, लगभग 10 लाख, और हमारे 4000 घंटे के लिए कितना वॉच टाइम चाहिए तो मैं लाइफ टाइम का देखूंगा तो ये करोड़ों में चला गया। तो गैस मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि वॉच टाइम कैसे देखते हैं, 4000 घंटे के अंदर कितना वॉच टाइम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेट करके आपको समझा देता हूँ। 4000 घंटे यानी 4000 घंटे मैंने 4000 लगा था, इसके अंदर कितना वॉच टाइम चाहिए। तो गैस एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4000 घंटे में कितने मिनट होंगे तो इनटू आपको 60 कर देना यानी 240000 मिनट। तो आपको चाहिए 4000 घंटे पूरे करने के लिए 240000 मिनट। अब मैं आपको मेरा दूसरा सेकंड चैनल बताता हूँ जिससे गैस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो ये चैनल देख सकते हो मेरा है, इस चैनल पर अब मैं व्यू मोड पर जाऊँगा। तो गैस यहाँ पर अभी देख सकते हो, यहाँ पर वॉच टाइम पे जाऊँगा तो अभी यहाँ पर मेरे को 28 दिन का वॉच टाइम बता रहा है 795 मिनट यानी लगभग 6 से 7 घंटे का। अभी यहाँ मैं लाइफ टाइम पे जाऊँगा तो यहाँ पर हो रहा है 1884 मिनट। यहाँ पर अगर 240000 मिनट हो जाते हैं तो आपका मोनिटाइज के लिए कंप्लीट हो जाएगा वॉच टाइम, और इसके साथ ही अगर 1000 सब्सक्राइबर भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ से आप इजी तरीके से समझ सकते हैं कि आप का वॉच टाइम कम्प्लीट हो गया। इसके अलावा दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर आपको गूगल क्रोम पे जाना है, यूट्यूब खोलना, यूट्यूब खोलने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका क्रोम के अंदर खोल लेना, उसके बाद तो आपको थोड़ा जूम कर लेना है, उसके बाद इस पर क्लिक कर देना है, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जाना है। तो यहाँ पर आपको एक मोनिटाइज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इस पर आपको टैप कर लेना है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से आप कंप्लीट अपना वॉच टाइम देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जाओगे देखोगे तो गैस अभी यहाँ पर मेरा हो रहा है 36 सब्सक्राइबर 1000 में से, और यहाँ 4000 घंटे में से 13 यहाँ पर पब्लिक वॉच टाइम हो रहा है यानी 13 घंटे मेरे अभी हुए 4 घंटे के अंदर में से, और यहाँ पर कितने सब्सक्राइबर हो रहे, 36 सब्सक्राइबर हो रहे 1000 के अंदर में से। तो इस तरह से यहाँ सब वॉच टाइम और कंप्लीट पता लगाया जा सकता है। आई होप कि सबको वीडियो पसंद आया, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। चलो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।